17 जुलाई यानी बुधवार को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पुष्टि की कि गुजरात में 4 साल की बच्ची की मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हुई है। इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या अब 44 हो गई है। अब तक लगभग एक दर्जन जिलों से कुल 124 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शामिल है। वहाँ पर भी चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखते हुए गुजरात सरकार ने भी सक्रियता दिखाई और संदिग्ध क्षेत्रों में 50,000 से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। इसके अलावा सभी जिला और ग्रामीण अस्पतालों को भी संदिग्ध मामलों के नमूने NIV सेंटर को भेजने के लिए कहा गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह वायरस कितना खतरनाक है, कैसे ये मौत का कारण बन जाता है और क्यों इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। चांदीपुरा वायरस रब्डोविरिडे फैमिली के वेसिकुलो वायरस जीनस का एक सदस्य है, जिसकी वजह से बच्चे एंसेफलाइटिस के शिकार हो जाते हैं। एंसेफलाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दिमाग में सूजन आने लगती है, जिसे खासतौर पर 2 महीने से 15 साल तक के बच्चे सहन नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। चांदीपुरा वायरस वेसिकुलो वायरस है, इसलिए ये मच्छर, कीट और सेंट फ्लाई जैसे वेक्टर के काटने से फैलता है। वहीं अगर बात करें इस वायरस के लक्षणों की, तो इसमें तेज बुखार आना, बुखार के साथ उल्टी होना, मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना, धूप में समस्या होना, गर्दन में अकड़न होना, डायरिया होना, तेज सिर दर्द होना या फिर दौरे पड़ने जैसे लक्षण अचानक सामने आते हैं और तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, द लेसेंट में साल 2003 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक चांदीपुरा वायरस का सबसे खतरनाक पहलू उसका फैटेलिटी रेट है। जब साल 2003-2004 में ये मध्य भारत में तेजी से फैला था, तो फैटेलिटी रेट 56 से 75% तक थी। इसका मतलब ये हुआ कि चांदीपुरा वायरस से संक्रमित आधे से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इसमें छोटे बच्चों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उनका दिमाग तीव्र सूजन सहन कर पाने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बनी, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दरअसल इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के हिसाब से किया जाता है। शुरुआत में जब पीड़ित बच्चे को फ्लू होता है, तो वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से दवा दी जाती है, और अगर बुखार या दिमाग में सूजन आने लगे तो फिर इलाज का तरीका बदल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वायरस से निपटने का फिलहाल तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इससे अपना बचाव करना। जी हाँ, इसके लिए आप इन 5 बातों पर जरूर ध्यान दें। पहला, हाइजीन बनाए रखें, जिसमें आपको नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते रहना है। अगर आपको लगता है कि आप संभावित रूप से किसी संक्रमित वातावरण या जानवरों के संपर्क में आए हैं, तो सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा है, जानवरों से बचाव। दोस्तों, चांदीपुरा वायरस जंगली और घरेलू जानवरों से भी फैल सकता है, तो सीधी सी बात है, उनके रहने के स्थान के आसपास रह रहे कीड़े और मच्छर संक्रमण के वाहक बन सकते हैं। इसलिए जब भी आप जानवरों के आसपास जाएं, तो पूरे बाजू के कपड़े पहन कर ही जाएं। तीसरा है, व्यक्तिगत सुरक्षा। अगर आप किसी संभावित संक्रमित जानवरों को संभाल रहे हैं, तो उस समय दस्ताने और मास्क जैसी जरूरी चीजें जरूर पहने, ताकि संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके। चौथा है, वेक्टर नियंत्रण। इस वायरस को फैलाने में कीड़े और मच्छरों की संभावित भूमिका सबसे अहम होती है, इसलिए इससे बचने के लिए आपको कीड़े भगाने वाली दवा और मच्छरदानी का उपयोग जरूर करना चाहिए। पांचवा और आखिरी है, मजबूत इम्यूनिटी। फल और सब्जियों से भरपूर भोजन करें, कोशिश करें कि इसमें विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जी आदि को। रोजाना एक्सरसाइज करें, रोज 7 से 8 गिलास पानी पिए, इससे इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो इन्फेक्शन के खतरे कम हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर किसी शख्स में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखे, तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं, क्योंकि इसके लक्षण तेजी से बिगड़ सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर जरूरी होने पर अस्पताल में भर्ती कराएं, जिससे कि समय पर उचित इलाज मिलने से मरीज आसानी से ठीक हो सके। दोस्तों, और लोगों तक इस वायरस के प्रति जागरूकता लाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।